सोनपुर की ये मंडी है और सोनपुर में ही हमें टुलटुल सिंह जी मिल गए हैं। एक घोड़ी लेकर आए हुए हैं, देखने में खूबसूरत लगती है, पंजाब नस्ल बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि बाहुबली 3 में ये आने वाले भी हैं और बाहुबली 3 इसका नाम रखे हैं। तो नाम क्यों 3 पड़ गया, 1 और 2 क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो टुनटुन सिंह जी, सोनपुर की इस मंडी में स्वागत है आपका। आपने इसका नाम बाहुबली 3 क्यों रख दिया? मैं 3 हूँ तो इसलिए ये भी 3। ये भी 3 तो कटप्पा के रोल में आप क्या निभा रहे हैं? उसमें निभा रहे हैं, वही संस्कार चला रहे हैं, वही संस्कार मेरा है और वही रहेगा। तो आखिर फिल्मों में संस्कार है या जीवन में? जीवन में है, फिल्म में उतना हमारा हैसियत नहीं है जाने लायक। जिस दिन होगा वहाँ चले जाएंगे, खुद ले जाएगा, मुकाम ले जाएगा, तो आखिर करेगा। कटप्पा की भूमिका आपके जीवन में क्या है, कुछ दर्शकों के साथ साझा करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। तो क्या है वो कटप्पा का रोल आप में, क्या क्या फिट बैठता है आपके जीवन में? कटप्पा है छुरी, छुरी के नोक पर जो चलता है ना वही कटप्पा होता है। तो आप क्या यूज करते हैं, क्या युद्ध लड़े हैं या क्या किए हैं? पहलवानी करते हैं। पहलवानी करते हैं? हाँ। तो दंगल खेलते हैं? हाँ। तो अभी भी खेलते हैं या पहले खेलते? अभी भी। कब पहले खेलते थे? हाँ, पहले खेलते थे। तो कहीं पुरस्कार जीता आपने? अभी जीते नहीं है, लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। घोड़ी आपने बाहुबली 3 रखी है, किस ब्रीड की है? पंजाब। पंजाब। क्या मांग रहा है इसका? 2.5 लाख रुपया। पूरी ये काली या टीका हो गया है? हाँ हाँ हाँ। 14 महीना का बच्चा है, अभी चलती है, अभी पीठ नहीं दी हुई है। तो पीठ कब देंगे? 2 साल बाद। हाँ 2 साल बाद। एक ही लेकर आए थे? एक ही लेकर आए थे। चलिए, कुत्ता भी है मेरे साथ में। तो वो तो सेल के लिए होगा? नहीं नहीं, सेल के लिए, वो भी सेल नहीं है, वो बाहुबली है। अच्छा, ये बाहुबली है, ये बाहुबली 3 है। हाँ। चलिए, बातें थोड़ी सी उलझी हुई लग रही है। हाँ, समझिए, उलझी हुई लग रही है। तो घोड़ी का अगर कोई खरीदार हुआ तो आपसे कैसे संपर्क करेगा? मेरा नंबर है, शेयर करिए, 87-0-999-4217। इस नंबर पर संपर्क करके अगर बाहुबली 3 ये घोड़ी आपको पसंद आ रही है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। 87-0-999-4217। तो इनसे संपर्क करें और हो सकता है कि आपकी ये चाहत की घोड़ी मिल जाए, दाम में कुछ कंसेशन भी है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।